हे गाइस वेलकम बैक टू जिब्राट गेमिंग। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि हमारे FFTI में लाइव वॉचिंग रिवॉर्ड था, फ्री इमोट था एंड गाइस फ्री में हेलमेट की स्किन मिलने वाली थी। तो गाइस अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मिला, आपको नहीं पता कि कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, तो गाइस इस वीडियो को पूरा देख लेना। आप लोगों को मैं बता दूंगा कि फुल डिटेल के साथ कि आप लोगों को कैसे मिलेगा, कैसे आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे और गाइस क्या है FFTI का सीन, पूरा आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फुल डिटेल में। और गाइस फ्री में आप लोगों को पता कि मैंने बताया था कि आपको थॉमसन की स्किन भी मिलने वाली है, तो गाइस वो कैसे मिलेगी आप लोगों को फुल डिटेल के साथ बताने वाला। तो गाइस वीडियो को एकदम एंड तक वॉच करना, आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगी। सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि हमारे टाइटन इनविटेशन ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर दो लाइव स्ट्रीमिंग रिवॉर्ड थे। पहला था हमारा हेलमेट का स्किन जो कि आप लोगों को मिल जाता 100K की लाइव वॉचिंग जैसे ही कंप्लीट होती, आप लोगों को ये वाले जो हेलमेट की स्किन है ये मिल जाती। और गाइस डे 2 को जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का ये लोगों ने माइलस्टोन दिया था वो था 200K की लाइव वॉचिंग। तो गाइस आप लोग जैसे ही ये दोनों के दोनों माइलस्टोन कंप्लीट कर देते तो गाइस आप लोगों को मिल जाती। तो गाइस आप लोगों को यहां पर बता दूं कि अगर आप लोग फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स इंडिया के चैनल पे जाते हो और गाइस वहां जाके लाइक चेक करते हो ना, मतलब कितने लाइक हुए चेक करते हो, तो डे 1 का आप लोग को 3-4 लाख लाइक देखने को मिल जाएगा और डे 2 को अभी आप लोगों को कुछ ऐसे 4-5 लाख देखने को मिल जाएंगे, मतलब गाइस लाइक बहुत ज्यादा है। तो गाइस काफी बंदे ऐसा सोच रहे कि हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया क्योंकि लाइक ज्यादा है, तो हमारा जो माइलस्टोन का ये लोग ने दिया था ना, ये लोग ने लाइव स्ट्रीमिंग माइलस्टोन दिया था, तो गाइस वो कंप्लीट हो गया, ऐसा काफी बंदे सोच रहे। तो गाइस मैं आप लोगों को पूरा सीन समझा देता हूं। तो गाइस जो डे 1 हुआ था ना, तो डे 1 में मैं गया था, तो गाइस वहां पर जो हाईएस्ट वॉचिंग हुई थी वो हुई थी 92K की, मतलब गाइस जो 100K की लाइव वॉचिंग थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, हाईएस्ट जो गया था वो 92K। तो आप लोग ऐसा सोचना छोड़ दो कि जो हमारा लाइक है कंप्लीट हो गया, 100K हो गए तो हमारा माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, तो गाइस ऐसा नहीं होता। क्यों गाइस काफी बंदे क्या करते हैं, लाइक मार के वापस आ जाते हैं जिससे वो उनकी जो पीक पॉइंट होती है ना, मतलब गाइस जो वो लोग ने माइलस्टोन दिया होता है कि इतनी से इतनी ज्यादा होना चाहिए, एक टाइम पे इतने ज्यादा बंदे होने चाहिए, गाइस बंदे एक टाइम पे नहीं जाते, बंदे क्या करते लाइक मार के वापस आ जाते हैं और गाइस ऐसा सोचते हैं कि यार लाइक मारने से हमारा 100K की लाइक जैसे लाइक कंप्लीट हो जाती है वैसे मिल जाएगा, तो गाइस ऐसा नहीं होता। वो लोग बोलते हैं कि एक साथ 100-1 लाख बंदे देखेंगे तभी हमें यहाँ पर लाइव वॉचिंग रिवॉर्ड मिलेगा, तो गाइस ऐसा सीन होता है। और गाइस काफी बंदे ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि भाई ये जो व्यूज कंप्लीट हो गया, व्यूज 2-3 मिलियन है तो हमारा हो गया, तो गाइस ऐसा नहीं होता, आप लोग समझ रहे हो मेरी बात, एक साथ 1 लाख बंदे देखेंगे तभी गाइस हमारा डे 1 का लाइव वॉचिंग कंप्लीट होता है। और आपको मैं बता दूं कि जो डे 1 का हाईएस्ट पीक पॉइंट था ना वो था 92K की लाइव वॉचिंग, मतलब गाइस हम लोगों ने बस 92K थे, मतलब गाइस हमारा बस 8K अगर ज्यादा हो जाता तो गाइस हमें 100K की हो जाती और गाइस हमें फ्री में हेलमेट मिल जाता, तो गाइस डे 1 का रिवॉर्ड अब नहीं मिलेगा। और गाइस डे 2 आप लोगों को पता है कि आज था, यानी कि 17 जनवरी को, और गाइस आज पता है कितनी गई है, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आज तो उससे भी कम गई, मतलब गाइस ये लोग ने 200 की लाइव वॉचिंग रखी थी और गाइस आज हमारा बस हुआ 70K, मतलब गाइस 70-80K जितना हुआ, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं वहां पर ज्यादा उतना टाइम तक था नहीं, लेकिन गाइस मुझे पता है कि 70-80K से ज्यादा नहीं हुए, मतलब गाइस डे 1 को 100K की लाइव वॉचिंग कंप्लीट करनी थी तो गाइस उसमें हम लोग ने 92K करा, मतलब गाइस हाईएस्ट जो पीक पॉइंट गया था वो 92K था, उससे लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही व्यू से फर्क पड़ता, जो पीक पॉइंट होता ना एक साथ बंदे कितने देख रहे उससे फर्क पड़ता है, तो गाइस 92K करा तो गाइस उसमें तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिले। और गाइस आज तो हद ही हो गए, इतने कम वॉचिंग मैंने कभी भी नहीं देखे, इतना ज्यादा यहां पर आप लोग देख सकते हो, इतना बड़ा ये लोग ने लाइव स्ट्रीमिंग वॉचिंग रखा था फिर भी गाइस वहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी बंदे वहां गए थे सभी के सभी यहां पर टाइम वेस्ट करके आ गए, क्योंकि अभी हमें यहां पर कोई भी रिवॉर्ड देखने को नहीं मिला वाला, आप लोगों को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिए जाएंगे। और गाइस ये इसमें गईना की मुझे बहुत बड़ी गलती लगती है, क्योंकि गईना इतने ज्यादा यहां पर माइलस्टोन बढ़ाए रखते हैं ना, मतलब गाइस आप लोग सोचो 2 लाख की लाइव वॉचिंग कैसे कंप्लीट हो सकती है, ना ये लोग ने कोई प्रमोशन किया, ना ही बंदों को बताया, ऊपर से गाइस ये लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं जो कि काफी बंदे नहीं चलाते, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे चलाएंगे खुद आप लोग सोचो, तो गाइस ये लोग को गेम में पहले ही से देना चाहिए था, मतलब गाइस कम से कम ये लोग को ना 2-3 हफ्ते तक ये लोग को प्रमोशन करना चाहिए था कि हमारा टाइटन इन्विटेशन का टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें आप लोग को फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तभी ना जाके बंदे यहाँ पर यूट्यूब पे देखते, ये लोग का चैनल सर्च करते और गाइस ये लोग को देखते तभी ना यहाँ पर कंप्लीट हो पाता। जैसे गाइस हमारा FFBA में होता फ्री फायर बैटल अरिना में, उसमें गाइस हमें 200K की या फिर 300K की लाइव वॉचिंग कंप्लीट करनी थी जिसमें गाइस आप लोग को टुक टुक स्किन मिलती, तो गाइस उसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो गाइस इसमें मुझे भी बहुत सारा शंका लग रहा था कि भाई नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये जब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमें फ्री में रिवॉर्ड मिलने वाले थे, तभी मुझे दिमाग में लग रहा था कि भाई नहीं होने वाले, क्योंकि गाइस ये लोग कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, ऊपर से इतना बड़ा माइलस्टोन रख रहे, तो गाइस कैसे कंप्लीट हो रहा आप लोग खुद सोचो, तो गाइस आप लोगों को ये नहीं मिलने वाला। और गाइस बात रही थॉमसन की स्किन की, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था थॉमसन की स्किन के बारे में, तो गाइस आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता देता हूं कि ये जो थॉमसन की स्किन आप लोगों को मिलने वाली थी अगर हमें दोनों के दोनों माइलस्टोन कंप्लीट कर देते ना, मतलब गाइस डे 1 को 100K की और डे 2 को 200K की कर देते, तो गाइस हमें थॉमसन की स्किन भी मिल जाती डायरेक्टली मेल बॉक्स में, लेकिन अभी तो दोनों के दोनों कंप्लीट नहीं हुए, तो गाइस आप लोगों को थॉमसन की स्किन नहीं मिलेगी, तो गाइस ये चीज आप लोगों को बतानी थी कि भाई ऐसा मतलब आप लोग जाके सर्च कर रहे होगे कि भाई रिडीम कोड होगा या फिर डायरेक्टली मेल बॉक्स में आएगा कैसे मिलेगा रिवॉर्ड्स, तो गाइस अब मिलना ही नहीं वाला, तो गाइस आप लोग क्या बताओ आप लोग को, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है गईना पे, क्योंकि गाइस जो भी यूट्यूबर्स होते हैं आप लोगों को पहले बता देता कि आप लोग को ये रिवॉर्ड्स मिलने वाला, आप लोग खुश हो जाते हो और गाइस बाद में गईना हम लोग की काट देती, तो गाइस कैसा बुरा लगता है आप लोगों को बता, ऊपर से गाइस मुझे भी गलत लगता कि मेरी ऑडियंस को मैं आप लोगों को
बताता हूँ कि भाई हमें फ्री में रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं और गाइस बाद में जाके हमें नहीं मिलता, तो गाइस आप लोग को पता है दिल से बुरा लगता है। ये सब चीज़ें गैना को बंद कर देनी चाहिए। मतलब ये इतना बड़ा माइलस्टोन क्यों रखते यार, जितना कंप्लीट हो सकता है जितना हम लोग कर सकते उतना रखो। 200K रखते हो मतलब गाइस बस हम लोग को 50K या फिर 100K ना बहुत ज़्यादा होते हैं लाइव वॉचिंग कंप्लीट कराने के लिए। तो गाइस इतना ये लोग को रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा रख देते हैं जिसकी वजह से ये लोग का कंप्लीट नहीं हो पाता और गाइस हमें फ्री रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलते। तो गाइस ये लोग, मुझे लगता है कि ये लोग की स्ट्रैटेजी है हमें पागल बनाने के लिए। ये लोग रिवॉर्ड्स देना ही नहीं चाहते, बस दिखाना चाहते कि रिवॉर्ड्स मिलेंगे और गाइस हमें नहीं मिलते। और गाइस जो बंदे वहाँ पर जाके टाइम वेस्ट कर देते वो लोग को बहुत बुरा लगता है कि भाई इतना टाइम वो लोग वेस्ट करते, इतना डेटा बर्बाद करते, इतना टाइम वेस्ट करते जाके टूर्नामेंट देखते और गाइस बाद में वो लोग को रिवॉर्ड्स ही नहीं मिलते। तो गाइस ये बहुत बुरा चीज़ लगती है, बहुत गलत चीज़ लगती है गैना की। तो गाइस जिससे आप लोग को बतानी थी आज की इस वीडियो के अंदर कि आप लोग को कोई भी यहाँ पर माइलस्टोन कंप्लीट नहीं और गाइस कोई भी आप लोग को रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले। तो गाइस आप लोग यूट्यूब पर सर्च मत करना और गाइस परेशान भी मत होना इस चीज़ के बारे में कि कहाँ मिल रहा है क्या हो रहा है। तो गाइस जिससे आप लोग को बतानी थी आज की इस वीडियो के अंदर। तो गाइस अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।